सर, एज यू ऑल नो कि समर स्लैम WWE का नेक्स्ट इवेंट होने वाला है, जो कि रेसलमेनिया के बाद WWE का सेकंड बिगेस्ट इवेंट होता है। याद है ना हमें रेसलमेनिया 40 में साल कितने ज्यादा शॉक्स और सरप्राइजेस देखने को मिले थे? क्यों? क्योंकि वो WWE का सबसे बड़ा इवेंट था। एज आई सेड, समर स्लैम भी कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। यहाँ पे भी हमें WWE ने पिछले कुछ सालों में काफी बैंगर चीजें दी है, जो की डेफिनेटली हमें इस साल भी मिलेंगी। और यूजुअली सारी चीजें किस फॉर्मेट में आती है, या तो हम विटनेस करते हैं रिटर्न्स के फॉर्मेट में, या फिर शॉकर्स के फॉर्मेट में, जो कि हमें कार्ड में लाइंड अप मैचेस से देखने को मिलते हैं। और ऐसी 10 शॉकिंग एंडिंग्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि सबके होश उड़ा सकती है SummerSlam 2024 में, अगर WWE ये चीजें पुल ऑफ कर देती है तो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट शॉकिंग एंडिंग, जो कि हमें मोस्ट प्रोबेबली होने वाले द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द फेक एस ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा के मैच से देखने को मिल सकती है। जैसे ही मैच खत्म होने की स्टेज पे आ जाएगा, तभी हमें एक बहुत ही मीठी सी आवाज सुनने को मिल सकती है हमारे प्यारे डोरेमोन की, जब वो कहेंगे कि लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसे सुनते ही सोलो और उनके अंटर चपंटर थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्ट तो होंगे कि भाई इसे तो हमने साइड लगा दिया था अनाउंस टेबल पे फेंक के, ये कहां से वापस आ गया। लेकिन पॉल हेमन वहां बताएंगे कि मैं यहां अकेला नहीं आया हूं, आई एम विद समवन एंड दैट समवन इज द रियल ट्राइबल चीफ। एंड हम सबको पता है कि हमारे रियल ट्राइबल चीफ कौन है। ऑब्वियसली वो होंगे नन अदर देन रोमन रेंज, जो कि एक शॉक फैक्टर के तौर पे अपना रिटर्न कर लेंगे और वो डायरेक्टली कन्फ्रंट करेंगे सोलो सिकोवा को, जिससे कि सोलो टामा टोंगा टिंगा लूंगा जो भी इनके होश उड़ जाएंगे। और जब तक उन सबके होश वापस आएंगे, तब तक कोडी और सोलो पे अपना स्टंट पुल ऑफ कर देंगे, पिन कर देंगे उन्हें 1, 2 and 3। दिस इज हाउ कोडी विल रिटेन हिज चैंपियनशिप। और दूसरी तरफ हमें सोलो रोमन की राइवलरी भी सेट होती दिख जाएगी फॉर द फर्दर इवेंट्स, जो चीज देखने के लिए तो भाई मैं अभी से काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। सोलो ने दिमाग का दही कर दिया भाई, खुद को ट्राइबल चीफ बुला बुला के। मैं मान ही नहीं सकता उस बंदे को ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल। ओके नाउ, इससे नेक्स्ट शॉकर हमें देखने को मिल सकता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर के ऑफिशियल मैच से, जो कि फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हो रहा है। इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें जजमेंट डे टर्न करती हुई देख सकती है डेमियन प्रीस्ट पे। आई नो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जजमेंट डे से मेरा क्या मतलब है, क्या फिन, जेडी, रिया, डॉम सब टर्न कर जाएंगे डेमियन प्रीस्ट पे? तो नहीं, सारे के सारे टर्न नहीं करेंगे, वो सिर्फ दो बंदे होने वाले हैं। वन विल बी जेडी मैकडोना एंड सेकंड विल बी फिन बैलर। लेकिन वैसा करेंगे क्यों? मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी काफी अच्छी तरह से बताई थी एक वीडियो में, तो कट शॉर्ट बिल्कुल ब्रीफ में बताता हूं। फिन और डेमियन के बीच वैसी काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी है पास्ट में, इवन अब तो वो स्टेज आ गया जब डेमियन खुले आम कहने लग गए कि भाई मैं सुपीरियर हूं, जजमेंट डे को मेरी जरूरत है, मुझे जजमेंट डे की जरूरत नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में वो काफी डिसरिस्पेक्ट भी कर चुके हैं फिन बैलर को और जेडी मैकडोना को भी। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज, लिम मॉर्गन ने फिन बैलर और जेडी को मैनिपुलेट किया अपनी बातों में, और सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं किया यार, उन्होंने तो बकायदा हेल्प की उनकी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने में। तो डेफिनेटली जब कोई इतनी दया करेगा किसी पे, तो इतनी सी मैनिपुलेशन तो बनती है। और ये सारे रीजंस वो फैक्टर बनेंगे जिस वजह से ये दोनों सुपरस्टार्स इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में टर्न कर सकते हैं डेमियन प्रीस्ट पे, जिसकी वजह से वो अपनी वर्ल्ड टाइटल लूज कर देंगे टू गुंथर। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, गुंथर के तो वैसे भी जीतने के चांसेस इस मैच में बेटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा हाई है। बाकी इससे नेक्स्ट एंडिंग की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हमें रिया वर्सेस लिव के मैच से देखने को मिल सकती है, जो कि ऑब्वियसली फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा। कि इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में डोमिनिक मिस्टीरियो सच में भाई गद्दारी कर बे, जब वो रिया की हेल्प करने के बजाय लिव मॉर्गन की हेल्प कर दे रिया रिपली को हराने में और रिटेन करने में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को। देखो अभी तक की पूरी स्टोरी में तो हमें इतना ही देखने को मिला है ना कि लिव मॉर्गन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है डोमिनिक को, लेकिन डोमिनिक काफी रेजिस्ट कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। यार डोमिनिक को कोई लेना देना नहीं लिव मॉर्गन से, वो तो भाई बंदी चढ़े जा रही है यार उसके ऊपर, वो भी क्या करे। बट हो सकता है एक शॉक फैक्टर के तौर पे डोमिनिक फाइनली टर्न ही कर जाए, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीक हमने देखा ही था डोमिनिक थोड़ा बहुत तो भाई क्या ही बोलूं मैं, कुछ तो हुआ था। तो ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता है, डेफिनेटली हो सकता है भाई। नाउ इस नेक्स्ट शॉकिंग एंडिंग हमें देखने को मिल सकती है, आई डोंट नो किस सेगमेंट से, लेकिन हो सकता है कि हमें वाइट सिक्स का समर स्लैम 2024 में कोई नेक्स्ट टारगेट देखने को मिले। फिलहाल तो उनकी स्टोरी मुझे कहीं ना कहीं चैट गेवल के अराउंड रिवॉल्व करती हुई दिख रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि उन्हीं को उन्होंने टारगेट क्यों किया। अब ऐसा भी तो सकता है कि वाइट सिक्स सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं, मल्टीपल बंदों के लिए आए हो, और ऐसा होता भी है। ऐसी खतरनाक फैक्शंस की एक बंदे से दुश्मनी नहीं होती है, बंच में बहुत सारे रेसलर्स होते हैं उनके अगेंस्ट, तो क्या पता समर स्लैम में वो किसी और को भी टपका दे। ओके नाउ, इससे नेक्स्ट शॉकर हमें देखने को मिल सकता है फाइनली उस चीज का जिसके रूमर 2312 बार सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। दिस इज बियांका ब्लेयर्स हील टर्न ऑन जेड कागिल। अभी तो ये दोनों काफी खुश, अभी तो ये दोनों काफी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स दिख रहे हैं, मजा आ रहा है इनको देखने में, इन्हें आपस में भी काफी मजा आ रहा है, लेकिन जेलिसी फैक्टर भाई लड़कियों में ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता है। और समर स्लैम से बड़ा मोमेंट कौन सा हो सकता है? एक अच्छी खासी चल रही पॉपुलर टैग टीम को ब्रेकअप करने का। वैसे भी ट्रिपल एच को लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग्स काफी पसंद है ना, अच्छा खासा वो मैच बिल्डअप कर सकते हैं दोनों सुपरस्टार्स को फॉर रेसलमेनिया 41, या चाहे तो किसी और इवेंट में भी करवा सकते हैं। अभी पक्का नहीं है इनका कोई मैच भी होने वाला है या नहीं, लेकिन अगर होता तो ये चीज हो सकती है, ठीक है। और सिमिलरली एक और टैग टीम का ब्रेकअप हमें
देखने को मिल सकता है अगर उनका मैच हो जाता है समर स्लैम में तो, और वो टीम है ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी की द ए टाउन डाउन अंडर। अब कौन किसको छोड़ेगा, कौन किसको बिट्रे करेगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। सच बोलो तो आइडिया है लेकिन मैं चाहता हूँ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी इससे नेक्स्ट शॉकिंग एंडिंग हमें देखने को मिल सकती है बेली वर्सेस नाया जैक्स के मैच से। ये तो काफी ऑब्वियस है कि यार टिफनी स्ट्रैटन अपना कैश इन कर सकती है यहाँ पे ब्रेव के, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो करना बिल्कुल नहीं चाहिए। लास्ट ईयर इयो स्काई ने भी किया था, चैंपियन भी बन गई थी, लेकिन उनका रेन उसके बाद काफी फ्लॉप सा रहा। मैं नहीं चाहता टिफनी के साथ भी ऐसा हो। जितने टाइम तक उनके पास MITB ब्रीफ केस रहेगा उतने ही उनके लिए अच्छा रहेगा। नाउ इससे नेक्स्ट एंडिंग की तरफ मैं आऊं तो वो हमें सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के मैच से देखने को मिल सकती है, जब AJ ली सच में शॉकिंगली अपना रिटर्न कर ले और वो हेल्प कर दे सीएम पंक इस मैच को जीतने के लिए। क्योंकि आपको तो पता ही है जब भी दोनों सुपरस्टार्स क्लैश करेंगे फाइनली आमने सामने आएंगे तो बिल्कुल मारने का काम करेंगे एक दूसरे को, और वो भारी पड़ते जाएंगे अगर सीएम पंक की तरफ से कोई हेल्प करने नहीं आता है। और अगर वो हेल्प उन्हें उनकी वाइफ की तरफ से मिलती तो भाई समझ रहे बात की गहराई को, चार चांद लग जाएंगे समर स्लैम को यार। नाउ इससे नेक्स्ट शॉकिंग एंडिंग हमें लॉगन पॉल वर्सेस एलेनाइट की US टाइटल मैच से देखने को मिल सकती है, जब यहाँ पे सबको लग रहा है कि एलेनाइट फाइनली अब US टाइटल जीतने वाले हैं, वो हरा देंगे लॉगन पॉल को फाइनली। बट ऐसा ना हो क्योंकि जेक पॉल लॉगन पॉल के भाई हेल्प करने आ जाए यहाँ पे लॉगन की, जिनकी हेल्प के चलते वो रिटेन कर ले फिर से अपनी टाइटल, क्योंकि यार लॉगन पॉल के होम टाउन में हो रही है समर स्लैम। तो क्या पता इस मैच की एंडिंग में हमें पॉल ब्रदर्स सेलिब्रेट करते हुए देखें उनके खुद के होम टाउन में, जब वो सबको शॉक करके टाइटल रिटेन कर ले। और फाइनली यार सबसे ज्यादा खतरनाक एंडिंग का रूमर आ रहा है फिर से डेमिन वर्सेस गुंथर के मैच से। एक तो मैंने आपको जजमेंट डे की इंटरफेरेंस बता दी, लेकिन एक और बंदा यहाँ पे इंटरफेरेंस कर सकता है। वैसे यूजुअली बंदा इंटरफेयर नहीं करता है, जब मैच खत्म हो जाता है उसके बाद अपीयर होता है। एंड डेफिनेटली दिस मैन इज नन अदर देन द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। याद ही होगा आपको 3 साल पहले इसी बंदे ने अपना रिटर्न किया था आफ्टर रोमन वर्सेस सीनाज मैच। तो क्या पता गुंथर जब वर्ल्ड टाइटल जीत जाए उसके बाद ब्रॉक लेसनर उन्हें आके यहाँ कन्फ्रंट करें, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉस्ट ही करवा देंगे गुंथर को टाइटल। ऑल एंड ऑल बात यह कि बैशिन बर्लिन के लिए फिर WWE के पास एक एब्सोल्यूट हाई प्रोफाइल मैच सेट हो जाएगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का, जो कि WWE काफी लंबे टाइम से करवाना चाह रही है लेकिन कुछ इश्यूज के चलते वो हमेशा से पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप मुझे एक चीज बताना कि अगर ऐसा सच में हो जाता है ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न करते हैं तो क्या उन्हें गुंथर को कॉस्ट करवा देना चाहिए वर्ल्ड टाइटल मैच ताकि वो चैंपियन ना बन पाए, या फिर गुंथर चैंपियन बन जाए उसके बाद ब्रॉक को आके उन्हें कन्फ्रंट करना चाहिए ताकि फिर ब्रॉक वर्सेस गुंथर का जो मैच हो बैशिन बर्लिन में वो फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हमें देखने को मिले। यही वो सारी शॉकिंग एंडिंग जो कि हमें समर स्लैम 2024 में देखने को मिल सकती है। अगर मैंने कोई मिस कर दी तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। एंड अगर आप नए आ गए थे चैनल पे तो यहाँ आपको लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह की वीडियोस देखने को मिलती है। एंड हमें जल्दी से जल्दी अपने 200 के सब्सक्राइबर्स हिट करने, तो बस क्लिक की तो करना है यार, कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने जॉन सीना के रिटायरमेंट ईयर 2025 में होने वाले उनके ड्रीम मैचेस बताए हैं, जानने तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।